Hey guys, it's me Nikita. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to see a home remedy. And home remedy is all about how you can get rid of your dark elbow and dark knees problem. So this is a very common problem. तो अगर आपको भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को देखिए एंड इस प्रोसीजर को इस होम रेमेडी को आपको फॉलो करना है डेली एंड यू सी द अमेजिंग रिजल्ट्स. ऑल यू नीड टू डू इज कि जो भी अगर आपको डार्क एल्बो की प्रॉब्लम है या फिर डार्क नीज की प्रॉब्लम है तो आपको इन स्टेप्स को डेली फॉलो करना है. तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है, क्या प्रोसीजर है एंड किस तरह से करना है. बट बिफोर प्रोसीडिंग, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप ऐसे अमेजिंग वीडियोस को बिल्कुल मिस नहीं करें. एंड सब्सक्राइब के पास में एक छोटा सा बेल बटन होगा, उसको जरूर क्लिक करिए सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. नॉलेज के साथ फेस टॉवल लेना है, उसे गर्म पानी में डिप करना है. एक्सेसिव वाटर को स्क्वीज ऑफ करके हमें उसे कुछ इस तरह से हमारी एल्बो के ऊपर प्लेस करना है. आप मेक श्योर करें कि इस स्टेप को आप बहुत अच्छे से फॉलो करें फॉर अराउंड 2 to 3 minutes. इस स्टेप को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है. इससे हमारे जो भी पोर्स हैं वो ओपन अप होंगे. पोर्स ओपन अप होने की वजह से हम जो भी आगे फर्दर स्टेप्स फॉलो करेंगे उसका हमें प्रॉपरली बेनिफिट मिलेगा. तो मेक श्योर करें कि आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें. स्टीमिंग की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे हमें करना है फॉर अराउंड 2 to 3 minutes. एक्सफोलिएटिंग स्क्रब बनाने के लिए हमें इसमें लेना है 2 teaspoons राइस फ्लावर. इसमें हम ऐड करेंगे 3 teaspoons कर्ड यानी कि दही. और हम इसमें ऐड करेंगे 8 to 10 drops ऑफ लेमन जूस. इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक फाइन पेस्ट रेडी हो जाए. आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है, जो फाइन पेस्ट है वो रेडी हो चुका है. इस एक्सफोलिएटिंग स्क्रब को हमें यूज करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से हमें स्क्रब करना है हमारी एल्बो के ऊपर. इसमें हमने राइस फ्लावर ऐड किया है. राइस फ्लावर से हमारी स्किन बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट होगी, डेड स्किन सेल्स रिमूव होते हैं, स्किन क्लियर और सॉफ्ट बनती है. अगर आपको डार्क नीज की प्रॉब्लम है तो भी आपको सभी स्टेप्स इसी तरह से फॉलो करने हैं. और अगर आपको डार्क एल्बो की प्रॉब्लम है तो भी आपको सेम प्रोसीजर सेम स्टेप्स फॉलो करनी है. इसमें हमने राइस फ्लावर ऐड किया है. राइस फ्लावर से मेलानिन प्रोडक्शन भी कम होता है. मेलानिन सिंथेसिस कम होने की वजह से हमारी स्किन फेयर और ब्राइट बनती है. इसमें हमने दही भी डाला है. दही से हमारी स्किन बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट होती है. दही में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है. दही से सनटैन रिमूव होता है, स्किन ब्राइट और सॉफ्ट बनती है. इसमें हमने लेमन जूस भी ऐड किया है. लेमन एक नेचुरल ब्लीच की तरह एक्ट करता है जिससे कि हमारी स्किन फेयर और ब्राइट बनती है. हमें इस स्टेप को फॉलो करना है फॉर अराउंड 4 to 5 minutes तक. आपको अपनी जो भी एल्बो है, अगर डार्क एल्बो की प्रॉब्लम है या फिर डार्क नीज की प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल हल्के हाथ से कुछ इस तरह से एक्सफोलिएट करना है फॉर अराउंड 4 to 5 minutes. उसके बाद आप इसे वॉश ऑफ कर लें. ब्राइटनिंग पैक बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है 2 teaspoons मलाई यानी कि फ्रेश क्रीम. इसमें हमें ऐड करना है 1/2 teaspoon एलोवेरा जेल. अगर आपके पास नेचुरल जो प्लांट एक्सट्रैक्ट का एलोवेरा जेल होता है तो आप उसे यूज कर सकते हैं. मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ.
तो हमें इन दोनों चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा ब्राइटनिंग पैक रेडी है, चलिए इसे अप्लाई करते हैं। ब्राइटनिंग पैक को हमें कुछ इस तरह से अप्लाई करना है। इसमें हमने मलाई ऐड की है, इससे स्किन का जो हमारा जो कलर डिस्कलरेशन होता है वो कम होता है, स्किन क्लियर ब्राइट और सॉफ्ट बनती है। मलाई जो है, जो फ्रेश क्रीम, वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। हमारी जो स्किन की जो डीपर लेयर्स जो होती है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होती है, हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बन जाती है। एलोवेरा जेल से स्किन हाइड्रेट होती है और मॉइस्चराइज होती है। एलोवेरा जेल से हमारी स्किन फेयर ब्राइट और सॉफ्ट बनती है। तो आपको कुछ इसी तरह से इसे हल्के हाथ से रब करते रहना है कंटिन्यूअसली, ताकि आपको इसका एकदम अच्छे से प्रॉपर बेनिफिट मिले। इसको अप्लाई करके आपको छोड़ नहीं देना है, थोड़ी देर तक आपको बिल्कुल हल्के हाथ से कुछ इस तरह से रब करना है। इस स्टेप को हमें करना है फॉर अराउंड 4 to 5 मिनट्स और उसके बाद आप इसे वॉश ऑफ कर लें। अगर आपको डार्क नीज या फिर डार्क एल्बो की प्रॉब्लम है तो आप इन सभी स्टेप्स को डेली फॉलो कीजिए एंड यू विल नोटिस कि विदिन 3 डेज आपकी जो डार्क एल्बो की या फिर डार्क नीज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही, उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नज़र आएगा। आपकी जो स्किन टोन है वो काफ़ी ज़्यादा इवन हो जाएगा। So that's all for me today's video. I hope कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप किसी और होम रेमेडी को फॉलो करते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। We'll have a chit-chat sort of discussion over there. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को करिएगा शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपने चैनल पर पोस्टर मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप ऐसे अमेजिंग वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करें। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। Until then, stay happy, stay positive, and do take care of yourself. Bye. In today's video we are going to and agar aapko ek home remedy ki and its uski comment section mein and we'll have a chit chat sort of